सो यस, हेलो एवरीवन, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एटर्नल आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज से एटर्नल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए द हिंदू का जो एनालिसिस है वो शुरू किया जा रहा है। सो आई होप आप कंटिन्यू इसको देखेंगे। आई होप इस जो भी एटर्नल आईएएस आपके लिए जो लेके आया है उसको आप लाइक करेंगे। सबसे पहले अगर आप इसको आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी आपके जान पहचान वाले एस्पिरेंट्स हैं सबके पास उसको इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हों, उसको हम लेके आएंगे आपके लिए। साथ में जितनी भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सारी चीज़ों का कंपाइलेशन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो प्रिलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो, सारी स्कीम्स का, सारे डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ का एक कंपाइलेशन हम आपको डेली 8 से 9 के बीच ये वीडियो आपके सामने आ जाया करेगी। सो अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं एटर्नल आईएएस से तो ये सबसे बेस्ट वीडियो होने जा रही है उसके लिए, सबसे बढ़िया आपके पास जो है प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। और आप सीधा यूट्यूब के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, वहां अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, तो डायरेक्टली मैं आपके साथ वहां कनेक्ट करूंगा, ठीक है। सो बेसिकली द हिंदू के इस एनालिसिस में जो पहली न्यूज है हमारे पास वो है पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन अनफेयर टू द सदर्न स्टेट KTR। सो एक्चुअली क्या हुआ है, कंटेक्स्ट समझना जरूरी है, किसी भी न्यूज का कंटेक्स्ट समझना जरूरी है। तो क्या हुआ है कि KT रामा राव है, ये तेलंगाना में मिनिस्टर हैं और इन्होंने बोला है कि 2026 में जो डिलिमिटेशन होने जा रहा है, डिलिमिटेशन कमीशन जो होने जा रहा है, जिसमें क्या होंगी जो लोकसभा की सीट है उनको क्या किया जाएगा, अल्टरनेट किया जाएगा या फिर उसमें क्या होगा, संशोधन किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा, उसमें नुकसान होगा किसको, सदर्न स्टेट को नुकसान होगा। और जो कि पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन अनफेयर है किसके साथ, सदर्न स्टेट के साथ। क्यों अनफेयर है, क्योंकि क्योंकि सेंटर की जो पॉलिसीज थी पॉपुलेशन कम करने के लिए वो उन्होंने मानी, और अब जब पॉपुलेशन कम हो गई है और जब डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा 2026 में, तो तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब इनको क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल नहीं हो पाएगा। इसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं या फिर इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। तो ये है बेसिक न्यूज। तो हमारे लिए यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिलिमिटेशन कमीशन की, होता क्या है, इसकी नीड क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन की नीड क्या है। क्या भारत में डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक बन चुका है दोस्तों, कितनी बार बना है? अच्छा, इसके बेसिस पर एट द एंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2012 में प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया डिलिमिटेशन कमीशन के बेस पर, UPSC का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, वो आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर मैं डिलिमिटेशन कमीशन की बात करूं तो डिलिमिटेशन कमीशन सिंपल सी बात, होता क्या है, अमेंडमेंट करता है किसको, सीट्स को, किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसका बेसिकली क्या करता है, सीमांकन करता है अगर हिंदी में कहूं तो। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन चेंज हो रही है तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए वो क्या करता है कि ये बाउंड्री डिफाइन कर देता है कि देखो लोकसभा की यहां तक निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा का होगा, ठीक है, और इसमें इतनी सीट्स होंगी। तो वो कौन काम करता है, वो करता है डिलिमिटेशन कमीशन। और अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन को कितनी बार बनाया जा चुका है भारत में, 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन को क्या कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। कब कब किया गया है, पहली बार उसे किया गया 1952 में, फिर 1963 में, फिर 1972 में, और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2002 में, ठीक है, 1973 में किया गया, उसकी बात भी हम करेंगे। सो डिलिमिटेशन लिटरली मीन्स एक्ट और अ प्रोसेस फिक्सिंग द लिमिट और बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो, जैसे आपको कैसे पता लगता है कि, जैसे मैं अगर मान लो आपसे कहूं कि राजस्थान है,
हरियाणा है, हरियाणा में एक क्षेत्र है गुरुग्राम, तो हम कहते हैं कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गुरुग्राम क्षेत्र का। हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि हमें पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आता है। एमएलए मान लीजिए सोहना क्षेत्र का है, जयपुर क्षेत्र का है, तो हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफाइन की हुई है कि ये क्षेत्र है, यहां से ये यहां बेसिकली इतने एमपीज होंगे, इतने एमएलए होंगे, स्टेट में डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी। डिलिमिटेशन कमीशन ये काम करता है। उसके बाद और कहां पर करता है? जहां पर आपकी लेजिस्लेटिव जो बॉडी है, बेसिकली लेजिस्लेटिव जो विधानसभा है ना, और उसके अलावा आपकी जहां पर जो लोकसभा तो सब्जी गई है, लेकिन जहां पर विधानसभा का प्रावधान है, ठीक है, लेजिस्लेचर का प्रावधान है, वहां पर ये बनाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 82 किसको पावर देता है? पार्लियामेंट को। किस चीज के लिए? टू डिटरमाइन द एस्पेक्ट एंड मैनर ऑफ डिलिमिटेशन टू द पार्लियामेंट। द जॉब ऑफ द डिलिमिटेशन इज असाइन टू हाई पावर बॉडी, सच बॉडी इज नोन एज डिलिमिटेशन कमीशन और अ बाउंड्री कमीशन भी इसको कहते हैं। अब क्या होता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट होता है, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके टाइम पे होता है? इंदिरा गांधी जी उस वक्त की प्रधानमंत्री थी, तो उस वक्त जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कब हुआ? 1974 में हुआ है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो जब 42nd अमेंडमेंट हुआ, तो जो सीट्स हैं उसको क्या करा गया, जो सीट अलोकेट होती है वो 1971 की पॉपुलेशन के बेस पर। अब ये देखिए, इसमें ही बेसिकली इशू है। तो 1971 की जो पॉपुलेशन सेंसस है उसके बेस पर जो सीट्स हैं कि भाई किस स्टेट में एमएलएज की कितनी सीट्स होंगी, बेसिकली एमएलएज की या फिर एमपीज की कितनी सीट होंगी, ये डिसाइड किया गया। फिर उसके बाद 84th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, और 84th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ कि ये 2026 तक के लिए क्या कर दिया गया, इसे फ्रीज कर दिया गया कि अब जो भी अमेंडमेंट होगा वो 2026 में होगा। फिर उसके बाद 2001 के अराउंड 87th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, और इसमें जो सीट्स हैं उनको बिना बदलाव किए, उसमें बिना बदलाव किए मतलब सीट्स को ना बिना बढ़ाए बिना घटाए क्या किया गया कि भैया जो पॉपुलेशन सेंसिस है वो 2001 के बेसिस पर होगा, ये 2003 में लागू हुआ, लेकिन सीट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। और अब ये बदलाव होने जा रहा है, कब? 2026 में। तो ये इसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखो अभी तक 4 बार इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है, कब कब किया गया है। एक तो 1952 में किया गया, एक किया गया 1963 में किया गया, फिर उसके 10 साल बाद 1973 में किया गया, और एक बार किया गया इसको 2002 में, और अब कब करा जाएगा, 2026 में करा जाएगा। ठीक है, अब कंपोजिशन सुनिए किसकी भाई, कंपोजिशन एक बार यहां पे लिख लीजिए ना, कंपोजिशन सुनिए डिलिमिटेशन कमीशन की। तो डिलिमिटेशन कमीशन की कंपोजिशन में एक तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज होते हैं, कोई भी जो डिलिमिटेशन कमीशन में होते हैं, ठीक है, और आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और राज्य के जो स्टेट, एक तो स्टेट के एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इनसे मिलकर क्या बनता है आपका, बेसिकली ये कंपोजिशन है किसका, आपके डिलिमिटेशन कमीशन का। ठीक है, और ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, जब भी ये अपनी रिपोर्ट देगा पार्लियामेंट में, जब वो रिपोर्ट रखी जाएगी, तो एक इंपॉर्टेंट बात है, हाँ मैं बता देता हूं कि उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता, उसमें अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ज्यूडिशियल रिव्यू संभव नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे ज्यूडिशियल रिव्यू क्या है, तो अगर ये शब्द आपने पहली बार सुना है तो जरूर गूगल करके देखिएगा। तो ऐसे ही तैयारी होती है, जैसे करंट अफेयर के माध्यम से आपको वर्ड मेरे से अभी पता लगा कि ज्यूडिशियल रिव्यू क्या है, तो अभी आपको सर्च करना है कि ज्यूडिशियल रिव्यू होता क्या है, तो यहां से आपको पता लग जाएगा। और जब भी आपका फाउंडेशन कोर्स वगैरह कुछ भी चल रहा होगा, तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ज्यूडिशियल रिव्यू का मतलब ये है, जहां सुप्रीम कोर्ट लॉ की जांच कर सकता है, बस ये है। ठीक है, ताकि किसी के फंडामेंटल राइट का वहां पर उल्लंघन ना हो रहा हो, तो ज्यूडिशियल रिव्यू यहां पर संभव नहीं है। कोई भी किसी प्रकार का अमेंडमेंट इसमें संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? उसमें अगर ऐसा होता तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता। ठीक है, और हमें नीड क्यों है,
सबसे बड़ी बात है कि हमें डिलिमिटेशन की नीड क्यों है। और हिंदी वालों, अगर हिंदी वाले बच्चे इसको देखें तो इसको कहते हैं परिसीमन। ठीक है, क्या कहते हैं? परिसीमन कहते हैं। तो नीड क्यों है? पहला, वॉयलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इसकी नीड इसलिए है ताकि हम सभी को समान प्रतिनिधित्व या कहें तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे पाए पार्लियामेंट में। ऐसा नहीं हो कि जो स्टेट वाइज जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिसाइड करें तो एक स्टेट के एमपी ज्यादा हो जाएं और दूसरे स्टेट के एमपी कम हो जाएं, तो सबको बराबर का उसमें मौका मिलना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे पास, अगर मैं केरला की बात करता हूं, ठीक है, तो केरला की बात करता हूं तो वहां पर करोड़ पॉपुलेशन पर लगभग लगभग कितने हैं? 6.3 एमपीज हैं। लेकिन अगर राजस्थान की बात करूं तो पर करोड़ पॉपुलेशन पर 4.4 एमपीज के लगभग हैं। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। दूसरा नीड क्यों है? डज नॉट रिफ्लेक्ट द चेंज द डायनेमिक लोअर वोटिंग एज वाया 61st अमेंडमेंट एक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई कब आपको जो है 21 से 18 किया गया था वोट देने का जो एज है, तो 61st अमेंडमेंट के हिसाब से किया गया था। और इंक्रीज रूरल अर्बन माइग्रेशन उसको अभी ये कंसीडर नहीं करता है, इसलिए हमें डिलिमिटेशन कमीशन की आवश्यकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अलावा भी। और इसके अलावा फिक्स अलोकेशन ऑफ सीट, फिक्स्ड अलोकेशन ऑफ सीट्स अगर हम देखें इसमें, तो देखिए अब जो पहले के बेसिस पर 1971 के बेसिस पर पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट्स अलोकेट की जा रही थी, तब हमारी पॉपुलेशन लगभग लगभग 54 करोड़ थी। आज हम 142 करोड़ बहनों भाइयों हो चुके हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वी सरपास चाइनीज पॉपुलेशन एज वेल। अभी हम क्या है, वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट मतलब पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे यहां पर है। तो ये वाला हो सकता है। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। और इसमें कुछ इश्यूज भी हैं कि ये किसी पार्टी को भी फेवर कर सकता है, क्योंकि वहां पर डिपेंड करता है कि एमपीज की संख्या कितनी है या फिर माइनॉरिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज को वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकता इसकी वजह से। सिक्किम इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो हमें करना क्या चाहिए, कि हमारे वे फॉरवर्ड क्या होने चाहिए, हमारे वे फॉरवर्ड क्या होने चाहिए। तो यहां से प्रिलिम्स के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, मेंस के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे जो वे फॉरवर्ड है, सो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हमारा, कि जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, ताकि जो कोई भी किसी भी टाइप की जो एररनेस है उसको कम किया जा सके। दैट्स वाई इसका क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। वोमेन को जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए भाई, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब वोमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट में कम है, तो इसलिए जो वोमेन्स हैं उनका जो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या होना चाहिए, इसके अलावा जो जो एक्सपर्ट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, यहां पर अपॉइंट करना चाहिए, चाहे कोई समाज से आता हो या फिर कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो, तो इनको यहां पर अपॉइंट करना चाहिए, एंड देन ये सारी चीजें करनी चाहिए। सो ओवरऑल आपका जो डिलिमिटेशन कमीशन है, तो यहां पर मेंस से भी क्वेश्चन बन सकता है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि ऑलरेडी 2012 में पूछ चुका है और 2026 में दोबारा से डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूट होगा, बनेगा, तो दोबारा से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला जो आर्टिकल है आपका वो है यूनिवर्सल कवर, ठीक है। सो बेसिकली जो ये आर्टिकल है इसका कंटेक्स्ट मैं बता देता हूं। सो इसका जो मेन कंटेक्स्ट है वो है इंश्योरेंस सेक्टर, कि भारत की इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारे यहां पर जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, इंश्योरेंस डेंसिटी है, एज कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज, एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, अभी भी कम है। डोंट वरी, मैं आपको यही टर्म के लिए आर्टिकल लिया, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है, क्योंकि इन फ्यूचर आपसे पूछी जा सकती है। तो इसके लिए एक बीमा, यहां पर ये आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या करा, एक तो बीमा विस्तार स्कीम के साथ ये आए हैं, ठीक है, बीमा विस्तार स्कीम,
और बीगा बीमा बीमा सुगम प्लेटफॉर्म। तो ये दो चीजें यहां पर इंपोर्टेंट हो जाती है कि बीमा विस्तार स्कीम क्या है और बीमा सुगम प्लेटफॉर्म क्या है। हालांकि बहुत आसान सी चीज है, बीमा सुगम प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक्सेस कर सकते हो बीमाज को, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के बीमा। और बीमा विस्तार स्कीम इज अ वन, मतलब वन प्लेटफॉर्म कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं ऑल इन वन टाइप का है, जहां पर आपको व्हीकल हो, चाहे आपका लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं मेडिकल इंश्योरेंस हो, हर टाइप का इंश्योरेंस आपको वहां पर मिल जाएगा। ये है बीमा विस्तार स्कीम, मतलब एक प्लेटफॉर्म होगा और वहां पर सारी चीजें अवेलेबल होंगी और इसमें अवेयरनेस बढ़ाने की बात पूरे आर्टिकल में की गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट इज अ ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इंडिया इज करंटली अकाउंट लेस देन 1.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, और 2% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिस्पाइट द बीइंग सेकंड मोस्ट पॉपुलस नेशन। तो सेकंड की जगह इसको अभी फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये दो इंपॉर्टेंट यहां पर डेफिनेशन है, इसके इसके बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इनको स्टार कर सकते हैं कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है या इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है। तो जितना इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब टोटल प्रीमियम अपॉन जीडीपी, तो जीडीपी के कंपैरिजन में, जीडीपी के कंपैरिजन में हम कितना प्रीमियम दे रहे हैं वो क्या है, हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। और इसमें भी दो टाइप से डिफाइड किया हुआ है, क्योंकि इंश्योरेंस दो टाइप का होता है, एक होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, मतलब लाइक मेडिकल इंश्योरेंस। तो इसमें भी सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसका है, किसका वेटेज है, लगभग 4.2 है, तो 3.2 आपका लाइफ इंश्योरेंस में है और 1% आपका कहां पर है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस में है, ठीक है। दूसरा है इंश्योरेंस डेंसिटी, इंश्योरेंस डेंसिटी, ठीक है, तो प्रीमियम पॉपुलेशन से कितना कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। की मेजर एक्सेस द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इंश्योर सेक्टर रेशियो ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज टू द कंट्रीज पॉपुलेशन, तो कितना हम प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये है आपका इंश्योरेंस डेंसिटी। तो ये मेन दो चीजें हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। इंश्योरेंस का रोल क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो सिंपल सी आप बात बताओगे कि अगर मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है और एक मैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूं और आगे जाकर कोई कुछ बीमार हो जाता हूं तो हॉस्पिटल में जाके आराम से एक प्रीमियम चुका करके मैं वहां पर इलाज करवा सकता हूं, तो हमें क्या मिलती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, वी कैन से, ठीक है। तो एक बढ़िया एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जनरेट करता है, अगेन मार्केट में पैसा आता है, इनेबल टू मिटिगेट लॉस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी, तो पैसा जब मार्केट में आएगा, स्प्रेड ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस फैसिलिटी, स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क फ्रॉम द इंश्योर टू इंश्योरर, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, आप इस पे बैठ के सोच सकते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं हमारे पास। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 1.5% है, जबकि पूरे वर्ल्ड का एवरेज 11% है, तो देखिए हम कितने पीछे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो हमारा 2% है इंश्योरेंस जो डेंसिटी है, इट मींस कि प्रीमियम हमारी पॉपुलेशन कम दे रही है, इट मींस कि हमारे यहाँ क्या है, लो अवेयरनेस है, लोगों को पता नहीं है। एक मीडियम क्लास से भी, एक मीडियम क्लास का जो व्यक्ति है ना, उससे थोड़ा अपर क्लास वाले को तो पता ही है, मीडियम वाले को भी आधे लोगों को ही पता है। इसलिए गवर्नमेंट को स्कीम चलानी पड़ रही है, आयुष्मान भारत हो गया जैसे, ये मेडिकल इंश्योरेंस में आ गया है ना, तो लोग लाइफ का कवर ले लेते हैं लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस लेने में अभी भी कतराते हैं, लेकिन वो लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। यस, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मान लीजिए गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। फ्यूअर प्रोडक्ट, इनोवेशन है, प्राइसिंग सबसे बड़ा इश्यू हो सकता है, नेगेटिव परसेप्शन टूवर्ड द लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है भाई, बहुत सारे होता है ना कि जब भी आपको लाइफ इंश्योरेंस वाले फोन करते हैं तो वहां बड़ा फनी सा मूवमेंट होता है। वो क्या होता है, आपसे बोलते हैं फोन करके कि अरे अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, तो वो पहले ही प्रिडिक्ट करते हैं, तो एक नेगेटिव सेंस होता है, उसकी वजह से भी लोग क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस को अवॉइड करते हैं कि अरे नहीं भाई ये सब नहीं लेना है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या सकते हैं कि अवेयरनेस हम बढ़ाएं,
मल्टीपल चैनल हम शुरू करें डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज है। बेटर रेगुलेशन करें, टेक्नोलॉजी का यूज करें, गांव गांव तक, घर घर तक जो है इंश्योरेंस को बढ़ाएं। तो ह्यूज मार्केट, अभी भी स्पेस खाली है किसके लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, कहां पर, भारत में, ठीक है। चलिए, हमारे यहां तो लोग वैसे ही, अगर गाड़ी मान लीजिए गाड़ी के साथ नॉर्मल आ रहा है ना, तो अगर गाड़ी के साथ हमारा, गाड़ी के साथ इंश्योरेंस आ रहा है तो वो जीरो डेप्थ वाला आ रहा है, वो ठीक है, वरना थर्ड पार्टी का ही करवाते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा ही सीन है भाई, है ना। सो यस, तो अगला मेन जो है आर्टिकल क्या है, यूजिंग बुद्धा एज द टूल ऑफ सॉफ्ट पावर, यूजिंग बुद्धा एज द टूल ऑफ सॉफ्ट पावर। तो क्या हुआ है अभी, कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट में बता देता हूं। कंटेक्स्ट है कि इंडिया ने रिसेंटली बुद्धिस्ट समिट को क्या करा, होस्ट करा है, कहां पर, नई दिल्ली में, विच सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ की फिगर फ्रॉम द ग्लोबल बुद्धिस्ट, और यहां पर किसको भी इंक्लूड किया गया, दलाई लामा को इंक्लूड किया गया। तो हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या हो जाता है, हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ लिया जाए, कल को आपसे पूछ लिया जाए कि भैया आप ये बताइए कि जो बुद्ध है उसकी हमारी जो डिप्लोमेसी है ना, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें क्या रोल हो सकता है, सॉफ्ट पावर क्या है, हार्ड पावर क्या है, क्या आपको पता है। तो आप इसको सीधा कनेक्ट कर सकते हैं GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट से, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है भविष्य में, सॉफ्ट पावर हार्ड पावर। देखिए हार्ड पावर का एग्जांपल देता हूं आपको। तो मेरी उम्र के जो लड़के हैं, मैं कह सकता हूं मेरी उम्र के जो व्यक्ति हैं या फिर मुझसे जो बड़े व्यक्ति हैं, वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे हार्ड पावर क्या होती है। जब घर में कुछ होता था या आप कोई काम नहीं करते थे, तो जब पिताजी जूता उतार के दिखाते थे, वो होती है हार्ड पावर, है ना। हार्ड पावर का मतलब समझ में आया कि जूते के डर से डरा धमका कर कोई भी काम करवा लेना, ये है हार्ड पावर दोस्तों। सॉफ्ट पावर क्या है, मां अपने बच्चे को प्यार करती है, प्रेम से कुछ भी काम करवा लेना क्या है, सॉफ्ट पावर है। तो ये डिफरेंस है, जैसे पिताजी से आपका एक कहीं ना कहीं दूरी बनती होगी, है ना। आजकल तो पिताजी को डैडी घर पे बुलाते हैं, और मतलब आप कह के पिताजी बात करते हैं, तो आजकल पिताजी की ओर से भी सॉफ्ट पावर है। लेकिन जो गांव से बिलोंग करते हैं ज्यादातर लोग, वो समझ जाएंगे मेरी बात को कि उनकी हार्ड पावर कैसे चलती थी, कुछ भी नहीं किया हुआ जूता ही पड़ता था, ठीक है। तो अच्छी बात है ना, पिताजी मार रहे हैं तो क्या दिक्कत है। यस, जैसे साहूकार है, साहूकार बड़े प्रेम से लोन देता है जब भी जाते हो आप उसके पास। जैसे बैंक है, आज क्या है, बैंक के पास आप जाओगे, आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, क्या, अरे सर आइए चाय पीजिए, पानी पीजिए, ठंडा पीजिए, फलाना ढिमकाना करेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे, देन आपको लोन दे देंगे बहुत अच्छे से। आप उसको चुका नहीं पाए तो हार्ड पावर का यूज करेंगे, उससे पहले क्या थी, सॉफ्ट पावर, वी कैन से। उसके अलावा हमने, टर्की हमारे खिलाफ हमेशा बोलता है, अब इसको मतलब बड़े लेवल पर लेके जाते हैं, घर से लेकर बड़े लेवल पर, घर से लेकर समाज से लेकर अब देश की बात करते हैं, कि देखो टर्की हमारे खिलाफ हमेशा बोलता आया है, चाहे POK पर हो, चाहे UN में कोई रिजोल्यूशन हो, टर्की हमारे खिलाफ हमेशा आग उगलता आया है, हमेशा विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सॉफ्ट पावर क्या है, कि जब उसके वहां अर्थक्वेक आया तो हमने अपना डेलीगेशन भेजा उनकी हेल्प करने के लिए, ये है सॉफ्ट पावर। नेपाल में भूकंप आता तो सबसे पहले इंडिया जाता है। COVID-19 के अभी आपने देखा कितना अच्छा सुंदर दृश्य था, कि पपुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर छुए, वो एक्चुअली उस प्रधानमंत्री के जो व्यक्ति हैं उनके पैर नहीं छू रहे हैं, वो पूरे देश के, वो भारत के पैर छू रहे हैं। क्यों, वो एग्जाम्पल है सॉफ्ट पावर का, कि जब किसी ने उसको, जब किन्हीं ने COVID-19 में उनको मदद नहीं की, तब उन्होंने क्या करा, COVID-19 के टाइम में भारत ने उनकी मदद की, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, म्यांमार की मदद हो, ठीक है, चाइना का भी एक एग्जाम्पल दे सकता हूं। चाइना क्या बना रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कहता क्या है कि देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला प्रोजेक्ट हमारे, हमको करने दो यहां पे, और यहां पर क्या होगा, आपके यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी, तो सॉफ्ट पावर के माध्यम से अपने काम करा लेता है। लेकिन फिर वो आगे जाके क्या बन जाती है, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी बन जाती है कि नहीं बन जाती है? तो ये सारी चीजें वहां पर काम करती हैं, ठीक है। तो
और COVID-19 के टाइम पे जो भी भारत ने मदद की है वो सब की सब कहां पर आती है, कहां पर आती है, सारी की सारी आती है सॉफ्ट पावर में। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर क्या है कि किसी पर बिना मिलिट्री के, बिना इकोनॉमी के प्रभाव डालना और अपना काम मनवा लेना। ठीक है, ये है सॉफ्ट पावर। ठीक है, आईएएस जब बनोगे तो, जब आईएएस बन जाओगे तो किसी, जब जिले में रहोगे तो वहां पर जिले के जो इतने भी लोग हैं आपको क्यों याद करेंगे, आपकी सॉफ्ट पावर के लिए। कहीं कहीं हार्ड पावर यूज करनी पड़ेगी, वो अलग बात है, लेकिन मतलब हाउ यू ट्रीट, कि मतलब ट्रीट कैसे करते हो आप लोगों को वहां के, जो गरीब तबका है उसके। देखो, सॉफ्ट पावर का एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं आपको। जाति व्यवस्था भारत में अभी भी मौजूद है, तो क्या हुआ कि आंगनवाड़ी क्षेत्र में एक शेड्यूल कास्ट की महिला ने कुछ खाना बनाया, और जब वो खाना बनाया तो वहां के जितने भी उच्च वर्ग के व्यक्ति थे, जो बच्चे थे, उन्होंने उसको खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि भाई ऐसा मतलब एक भाई डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बटा हुआ है, कास्ट सिस्टम अभी भी लाई करता है। तो सॉफ्ट पावर क्या है कि एक डीएम गया और उसने उस खाने को खाया, तो समाज में क्या दिया एक, मतलब बेसिकली उस दबे कुचले वर्ग के प्रति एक अपनी सहानुभूति दिखाई और समाज में एक मैसेज भी दिया। तो ये वी कैन से सॉफ्ट पावर है। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हो गए सॉफ्ट पावर पर, आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो। ठीक है, यस, सो सॉफ्ट पावर इज द एबिलिटी टू ऑब्टेन प्रेफर्ड आउटकम बाय अट्रैक्शन रेदर देन करिजन ऑफ पेमेंट। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी रेफर टू यूज ऑफ कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक मीन्स इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड ऑफ एंड बिहेवियर ऑफ अदर कंट्रीज। लाइक कल्चरल क्या है, योग, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सॉफ्ट पावर, सोशली और इकोनॉमिकली जो टाइज है हमारे। ठीक है, एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है। जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया है। ठीक है साउथ कोरिया है, तो साउथ कोरिया में यहां पर हमारा कनेक्शन है, हमारे कल्चरल टाइज है किसके साथ, साउथ कोरिया के साथ। राम, और वो आपने सुना होगा, हमारे जो यहाँ पर जो राम से कनेक्शन है बेसिकली किसका, साउथ कोरिया के साथ सीधा कनेक्शन है। तो ये क्या है, कल्चरल टाइज है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या है, कल्चरल टाइज ही तो है बेसिकली, देखा जाए तो सॉफ्ट पावर भी तो है, पूरा विश्व उसको मना रहा है। तो हमने दुनिया को योग बुद्ध दिया बेसिकली कह सकते हैं। और जैसे अभी क्या बोला था नरेंद्र मोदी जी ने कि दुनिया को हमने बुद्ध दिया, और बदले में जैसे चाइना से कंफ्लिक्ट था, चाइना ने हमें क्या दिया, युद्ध दिया। तो ये क्या एक स्टेटमेंट है, आप इसको कोट करके यूज कर सकते हो मेंस के आंसर में, डेफिनेटली आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यस, क्या सिग्निफिकेंस है बुद्धिज्म की हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। भाई हम हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज कर सकते हैं एशियन कंट्रीज के साथ, ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, चाहे जापान हो, चाहे कंबोडिया हो, वियतनाम हो, ये सब कहाँ है, यहाँ पर बुद्धिज्म जो है फैला हुआ है, तो इनके साथ जो कल्चरल टाइज है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। यस, प्रमोटिंग द रिलीजियस हार्मनी, इंडिया कैन लिवरेज इट्स बुद्धिस्ट हेरिटेज एंड टीचिंग टू इनकरेज इंगेज विद द कंट्रीज लाइक चाइना। इकोनॉमिक बेनिफिट, पैन एशिया प्रेजेंस हो सकती है। तो दिस इज द सम ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धिज्म फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसीज। ठीक है, इंडिया एफर्ट इन बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी, तो क्या क्या हो सकता है, जैसे एक पीएम का कोट है, युद्ध टू द वर्ल्ड बट इंडिया हैज नॉट गिवन युद्धा टू द वर्ल्ड बट बुद्धा। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो, डेफिनेटली आपको इसमें फायदा होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तवा है, ठीक है, इन्होंने शपथ ली है अभी, ये हमारे बने हैं सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कमिश्नर बने हैं नए। ठीक है, तो ये हैं आपके कौन, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। ठीक है, तो अपॉइंट कौन करता है, सिंपल सी बात, प्रेसिडेंट। ये प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है स्टैचुरी बॉडीज हैं, स्टैचुरी बॉडीज जो आती हैं, आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और स्टैचुरी बॉडीज पढ़ाया जाता है, और इस बार यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं। तो आपको याद रखना है कि सीवीसी जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, क्या है, आपकी एक स्टैचुरी बॉडी है। कैसी बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है। ठीक है, ये है आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, किसके कहने पर करते हैं, किसके कहने पर करते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो पीएम होते हैं,
एक होम मिनिस्टर होते हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ये तीनों मिलकर नेम रिकमेंड करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। और जब वो नेम रिकमेंड होता है तो अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो काम क्या है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कमिश्नर का, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में कोई भी भ्रष्टाचार की जो न्यू भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए उस पर उसकी देखरेख करना है, ना कि ऐसा नहीं है कि ये कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी है भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए, उसके पास उसके लिए आपके पास सीबीआई है, उसके लिए आपके पास सीबीआई है, ये किसी भ्रष्टाचार की जांच नहीं करती है, ये बात आपको याद रखनी है, प्रीलिम्स में फंसा सकता है आपको, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये जांच कर सकती है, बस ये बेसिकली यहां पर बताना चाह रहे हैं। तो सीवीसी कब सेटअप हुआ था, 1964 में सेटअप हुआ था, और जब ये सेटअप हुआ था ये किसके कहने पर हुआ था, संतनाम कमेटी के कहने पर हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग में इसके पास कोई भी वैधानिक जो निकाय है या फिर स्टेटोरी बैकिंग थी वो नहीं थी। दो टाइप की बॉडीज होती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, एक स्टेटोरी बॉडीज होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लाइक आपका इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 वी कैन से, और स्टेटोरी बॉडी क्या होती है, वैधानिक निकाय क्या होता है, जिसको किसी एक्ट एक्ट के माध्यम से बनाया जाए, तो वी कैन से वो होती है आपकी स्टेटोरी बॉडी, वैधानिक निकाय। तो 2003 में इसको क्या गया, स्टेटोरी स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। और ये किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं आती है, द सीवीसी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट वी कैन से, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए, इसमें नोट्स बनाते चलिए आप, शॉर्ट नोट्स। सो इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट ओनली, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, और इसमें मल्टी मेंबर कमिश्नर है, ठीक है, मतलब दो बेसिकली सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं चेयरपर्सन, और दो से ज्यादा विजिलेंस कमिश्नर और नहीं हो सकते, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड द विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो एक कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आपके मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, नेम रिकमेंड करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट कर देते हैं उसी नाम को। टर्म क्या है, 4 साल की टर्म है, और ये एट द एज ऑफ 65 जो भी पहले हो जाए तब उसका जो है खत्म हो जाएगा जो भी है टेन्योर, तो ओवरऑल ये है, ठीक है। एक न्यूज ये है कि चाइना ने, ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि चाइना ने उसका जो स्पेस स्टेशन है अभी, तो वहां पर कुछ एस्ट्रोनॉट को भेजा, और साथ में क्या करा कि एक सिविलियन को भी भेजा है, और वो मून पर उनका जाने का प्लान है, तो ये आर्टिकल उसकी बात करता है, ठीक है। चाइना सेंट 3 एस्ट्रोनॉट टू इट्स तियानगोंग स्पेस स्टेशन ऑन ट्यूजडे एंड पुटिंग अ सिविलियन इनटू ऑर्बिट फॉर द फर्स्ट टाइम एज परस्यूज प्लान टू सेंड क्रू मिशन टू द मून बाई 2030, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं, तो ये वाली बात अभी हो गई, तो तियानगोंग स्पेस स्टेशन, ठीक है, किसका है, चाइना का है, इस पे शॉर्ट नोट बनाइए, क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछा है 2023 में, क्या क्वेश्चन पूछा है, इनमें से किस कंट्री का खुद का जीपीएस सिस्टम है, और उसमें क्या क्या एग्जांपल दिए हुए थे, जैसे एग्जांपल दे देता हूं, ग्लोनास किसका है, जीपीएस खुद किसका है, जीपीएस यूएसए का है, हमारा क्या है, IRNSS है, ठीक है, या वी कैन से नाविक है, और ग्लोनास किसका है, रशिया का है, ठीक है। तो वहां पर एग्जांपल दिए थे, तो ऐसे पूछ सकता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो है ही, तियांगोंग नाम का स्पेस स्टेशन किसका है, चाइना का है, और चाइना थर्ड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसका खुद का स्पेस स्टेशन है आफ्टर द सोवियत यूनियन एंड यूएसए, मतलब रशिया और यूएसए के बाद। और ऐसा मानता है चाइना कि 2031 में जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होगा, बेसिकली डीकमीशन होगा, तो इसको रिप्लेस करेगा तियांगोंग आपका स्पेस स्टेशन। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइंस एंड टेक में आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो है तियांगोंग स्पेस स्टेशन है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, आप देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैंने डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में सारी चीजें बता दी हैं,
चलिए इसको सॉल्व भी करवा देते हैं। ये 2012 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है, हालांकि ट्रेंड चेंज हो गया है, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमें करने चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट वहां से भी उठ सकती है। पहला है द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पूछा है, करेक्ट पूछा है। सबसे पहले देखा करो कि यहां क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। तो ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, बिल्कुल सही है। When the orders of the delimitation commission are laid before the Lok Sabha or the state legislature, they cannot make any kind of amendment in the orders. तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि amendment नहीं हो सकती, Supreme Court judicial review नहीं कर सकता, तो ये दोनों option सही है, तो hence both 1 and 2 are correct. ठीक है, so guys अब हम मिलेंगे next lecture में, और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम कि जो छोटा मोटा करंट अफेयर छूटा हुआ है पिछला, उसको भी सारे को कंबाइन करके कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर कीजिए इसको, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुंचाइए ताकि उनको करंट अफेयर्स का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज।